यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप लोग देख लिए अगले ब्लॉग में कि हम लोग राजगीर में हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी जस्ट नहा धोए के रेडी हुए हैं, तो ब्लॉग में बने रहें। और अभी तक अगर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाला है आगे। चलिए चलते हैं। स्टार्टिंग का ये कुछ इस तरह है सीन, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे अगर कभी आए होंगे तो, या फिर कभी आइएगा तो देख लीजिए ब्लॉग में। ऐसे है, ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। और हम लोग का गाड़ी किधर है अभी ढूंढना पड़ेगा। हम लोग गेट से बाहर निकल गए हैं और अभी आगे कहाँ जाना है पता नहीं। अभी हम ये अंकल जी से टकराने वाले थे ब्लॉगिंग करते करते। चलिए चलते हैं। गाड़ी किधर है हम लोग का, ये देखिए गाड़ी का हालत। क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे तब रास्ते में बारिश हो गई थी, तो उससे पूरा छीटा पड़ पड़ के गाड़ी खराब हो गया। हम लोग आए थे यहाँ पे पांडू पोखर, देखिए लिखा हुआ है, सुनते हैं बहुत अच्छा है। अंदर का भी ऊपर बंद है, बैड लक, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ अभी खुलने का। तो अभी उधर जा रहे हैं, तो उधर से आके रिटर्निंग में देखेंगे, फिर आप लोग को भी दिखाएंगे, ठीक है। इधर से कुछ थोड़ा थोड़ा व्यू दिख रहा है, ओके ठीक है। अंदर जाके आपको अच्छे से क्लियरली दिखाएंगे सब कुछ। मम्मी हमको डांट रही है क्योंकि हम हीरो की दिक्कत में। तो ये है जापानी मंदिर, ना रे जापानी मंदिर है ना, ये है जापानी मंदिर, देखिए बहुत सुंदर है। अंदर जा ही नहीं पाए, खुला हुआ तो उसके अंदर जा सकते हैं ना। हाँ चलिए, तो पप्पू भैया सबको और बहुत जगह तो बंद है, पांडु पोखर बंद है अभी। कितना क्लीन रखा है। हाँ हाँ हम आए हैं, बहुत मस्त लगता है बहुत। देखिए OMG क्या नजारा है गाइस, मतलब इतना शांति है यहाँ पे, इतना शांति है कि एक पिन भी गिरेगा तो आवाज करेगा, इतना शांति। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जगह पे चल दिए हैं घूमने के लिए अपने गाड़ी में बैठ के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पहुँचते हैं। हम लोग खाने का तैयारी, पहले पेट पूजा फिर उसके बाद घूमा फिरी किया जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं अभी स्वर्ण भंडार, ये देखिए। अब पता नहीं अंदर क्या है नहीं है, भैया लोग तो बोल रहे हैं गुफा है। चलिए अंदर चलते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं, ये है स्वर्ण भंडार। Thank you.
बोलो। तो हम लोग आ चुके हैं सोन भंडार अभी, तो यहाँ का आप लोग यहाँ का वीडियो एंजॉय करिए। पता नहीं हम भी फर्स्ट बार आए, कैसा ही नहीं है पता नहीं हमको। चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए। वाह बहुत मस्त है। हेलो हेलो तो हम लोग अभी राजगीर का वन प्राणी सफारी में आ गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, नहीं है देखे नहीं है। गाइस अभी हम लोग हैं जू सफारी राजगीर में, राजगीर का जू सफारी में। और यहाँ पे इतना भीड़ कि क्या बताएं। मतलब दूसरे कंट्री से भी, दूसरा देश से भी यहाँ देखने आ रहा है ग्लास ब्रिज को, इतना फेमस हो गया है। मतलब सच में बहुत अच्छा है, हम भी देखे हैं यूट्यूब में। बहुत भीड़ है, हम लोग तो पहले ऑनलाइन बुकिंग कर लिए थे तो हम लोग के लिए उतना दिक्कत नहीं हुआ, बस वहाँ पे गेट पे घुसने में दिक्कत हुआ। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग। देख सकते हैं गाइस लाइन कितना लंबा लाइन, बट हम लोग पहले बुकिंग किए थे तो हम लोग अंदर आ गए हैं। और अंदर का नज़ारा इतना अच्छा है, मतलब वाओ बहुत अच्छा है, बहुत देख के तो एकदम दिल खुश हो गया। और बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए, हवा में चलने के लिए, स्काई वॉक। तो आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ और एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ का मतलब जो डेकोरेट किया है, जो छोटा छोटा जो डिटेलिंग दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिखाते हैं आप लोग क्या सीन है, नेचर लव, पूरा नेचर लव। बहुत मस्त नज़ारा है गाइस, बहुत मस्त, बहुत इसके आगे कम है। मतलब इतना अच्छा है कि क्या बोलें, एक एक चीज इतना अच्छा से बनाया है ना यहाँ पे, दिल खुश हो जाता है देख के। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, लगातार एक से एक मस्त चीज देखने को मिलेगा आपको। इतना यहाँ पे नीट एंड क्लीन रखा है ना गाइस, बहुत साफ सुथरा है। देखिए बाबू वहाँ शैतानी कर रहे हैं। देखिए गाइस क्या नजारा है, क्या नजारा है, क्या नजारा है। सबका खुशी देख रहे, सबका खुशी देख रहे हैं, सब इतना खुश हो गए जगह को देख के, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी एक बार जरूर आइए, ये राजगीर का जंगल सफारी बहुत अच्छा है। अभी तो हम लोग पूरा पहुंचे नहीं है, अभी बादलों में जाएंगे, उसके बाद देखिए क्या ऐश है। यहाँ से हम लोग को बस में लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही टिकट रिजर्व कर लिए थे, तो अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी से। गाइज बहुत 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 आप लोग ब्लॉग में बने रहे, पूरा एंजॉय करें, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। सब लोल भाग लोल लग, हम ही लोग हैं हमको लग रहा है ऐसा। वेट 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 नहीं आशा देख।
पर इंतजार नहीं हो रहा है वहाँ जाने, उतना खूबसूरत जगह देखने का। नेचर सफारी पहली बार, फर्स्ट टाइम। टाटा सफारी खाली देखे हैं क्या? टाटा सफारी देखे हैं, आज नेचर सफारी देखेंगे फर्स्ट बार लाइफ में। बस बैठ गए हैं नेचर सफारी के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं अभी नेचर सफारी में, बहुत दूर है बाबा। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा है, क्या है, क्या दिखाता है यहाँ पे, बहुत लोच। हम लोग पहुंच गए मंजिल पे, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली बता ही देते हैं कि क्या है, ग्लास ब्रिज। सुने आप लोग कभी कि ग्लास का भी ब्रिज हो सकता है? तो चलिए आज दिखाते हैं आपको ग्लास ब्रिज। और यहाँ से व्यू देखिए, इतना देर वेट करने के बाद पहुंचे यहाँ पे। ये देखिए, वाओ वाओ वाओ, देख सकते हैं गाइस कितना दिमाग लगा के बनाया गया, कितना कारीगरी किया गया है इसमें, और गंदा तो एक भी नहीं है, बहुत साफ है। ये बढ़िया, आप लोग ग्लास ब्रिज, फाइनली हम लोग ग्लास ब्रिज में। ये हम लोग ग्लास ब्रिज में। मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। ओह नो, नीचे से देख रहा मेरे को। व्यू दिखाते हैं गाइस, व्यू तो मतलब अमेजिंग है। भैया बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, एकदम नहीं घूम रहे गाइस, जा रहे हैं। भैया बहुत खड़ूस हैं, घूमने नहीं दिया, थोड़ा सा ही घूमने दिया, जा रहे हैं। देखिए आप लोग लास्ट नजारा देख रहे हैं, आप YouTube में आ जाइएगा, समझे? देखिए यही है राजगीर का ग्लास ब्रिज, जो कि बहुत फेमस है। भैया पता है गाइस, भैया को बोले कि भैया रुकिए आपको फोटो खींचते थे, एक थोड़ा सा हम लोग के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो भैया लेट से गए थे, तो इसके वजह से हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि वो अकेले रह गए थे, बुरा भी लग रहा था, वो बाद में गए, मजा आया लेकिन सच में बहुत बहुत बहुत। फिर उसके बाद भैया बोले रुकिए आपको फोटो खींचते थे, तो बोलते हिल रहा है, गिर जाएंगे हम, पूरा डर रहे थे। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ले प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाए, नहीं तो नहीं तो नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं।